कहते हैं कि बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, वापस तो सिर्फ याद आया करती है। बचपन के वो मीठे पल, कुछ खट्टी मीठी शरारतें आज भी याद आती हैं मुझे। रुचि जितनी ही मुझसे अलग थी, उतनी ही करीबी मेरी दोस्त थी। वो कड़वी लड़ाइयाँ, वो नादान बदमाशियाँ, वो मासूमियत भरी नाराजगी, हम जैसे भी थे पर हमेशा साथ रहते थे। रुचि हमेशा से तेज और शायद आदतन ही वक्त को समझने वाली, उसको जैसे आराम करना आता ही ना हो। मेरी जिंदगी थी थोड़ी धीमी, वक्त की ना कोई खबर और ना ही कोई कदर। सुबह हो या शाम, मेरा काम था बस आराम ही आराम। रुचि थी समझदार, तैयार हर चीज के लिए, लड़ने को, पढ़ने को, आगे बढ़ने को, हर चीज में अव्वल। मम्मी पापा टीचर और दोस्त सबकी दुलारी थी वो, और मैं बस अपनी ही मस्ती में। स्कूल एक ऐसी जगह जो मेरे लिए थी ही नहीं, किताबें मेरी दुश्मन और स्कूल मेरे लिए जेल। स्कूल पहुंच के रुचि बिल्कुल बदल जाती, मुझे लगता था कि शायद मुझसे अच्छी अगर कोई रुचि की दोस्त थी तो वो थी उसकी किताबें, उसकी पढ़ाई और उसके टीचर्स। सभी बच्चों की तरह मुझे भी पॉकेट मनी मिलती, पैसे आए और गए, चाट पकौड़ों में पैसे उड़ाना, महंगी से महंगी चीज खरीद के लेके आना, ये तो था मेरा हिसाब। और पागल रुचि मम्मी से पैसे लेती और गुल्लक में डाल देती। बैंक से कुछ लोग हमारे स्कूल बचत के बारे में बताने आए, पर मुझे उनकी बातें कुछ समझ नहीं आई। मगर रुचि ने उनकी बात सुनी और शायद समझी भी, पर एक चीज जो वो नहीं कर पाई वो था मुझे समझाना। वक्त गुजरा, एग्जाम आए और गए, नतीजा भी आया, पूरी क्लास में तीसरे नंबर पे थी और मैं 31वें। मगर रुचि को तब भी चैन ना था, सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ा और अप्लाई किया। वो अपने पापा के साथ बैंक गई और आगे की पढ़ाई के लिए एक लोन ले लिया। जो बात बाकियों के लिए बस एक क्लास का लेक्चर था, रुचि ने उसे जिंदगी में आगे बढ़ने का जरिया बना ही लिया। लोन की सारी शर्तों को समझा, परखा और अपना भी लिया। रुचि को सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया, बहुत ही खुश थी वो। और मैं सब जगह नामंजूर। माँ और पापा ने अपनी जिंदगी की सारी कमाई एक लालची सेठ को दे दी ताकि मुझे उस महंगे कॉलेज में एडमिशन दिलवा सके। बस शायद यही गलती हुई, लालची सेठ ने थोड़े पैसे देकर सब कुछ रख लिया। हमने उधार ले तो लिया, पर ये ना सोचा था कि उस पे सेठ कितना ब्याज लगा देगा। कॉलेज तो छूटा ही, जैसे जिंदगी के सामने मैंने भी घुटने टेक दिए। हमेशा की तरह बस आगे और आगे बढ़ती गई और मुझसे इतनी दूर होती गई कि आज उसे देखता हूँ तो सोचता हूँ कि वक्त को पलट दूँ और वापस चला जाऊँ अपने उस बचपन में, अपनी उस दोस्त के पास।